आज डेटाबेस मैनेजमेंट में हम एसक्यूएल के बारे में, एसक्यूएल के कुछ कमांड सीखने वाले हैं, ठीक है, कुछ क्वेरी परफॉर्म करने वाले हैं। तो पहला है फाइंड फर्स्ट थ्री कैरेक्टर्स ऑफ कस्टमर्स नेम। तो हमें, हमारे पास एक टेबल कस्टमर है जिसमें एक कॉलम है कस्टमर नेम, उसका पहला थ्री कैरेक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? डिस्प्ले करने के लिए सेलेक्ट कीवर्ड यूज करेंगे, कुछ स्ट्रिंग निकालने के लिए उसका सब स्ट्रिंग कीवर्ड होता है उसके लिए, कस्टमर का नाम, और कितने लेटर निकालने हैं मुझे? थ्री लेटर, तो एक से लेकर तीन तक की हमें निकालने हैं, और इसको डिस्प्ले करवाना है। तो फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, और ये कॉलन, तो आपको क्या करेगा, कस्टमर नेम को पहला तीन लेटर वो डिस्प्ले करवा देगा। नेक्स्ट हमारा है पोजीशन ऑफ एट द रेज सिंबल इन ईमेल। तो एक कस्टमर में एक कॉलम है ईमेल, तो उसकी पोजीशन एट द रेज की पोजीशन कहाँ पर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट, एक कीवर्ड होता है इन स्ट्रिंग, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं ये सब, इन स्ट्रिंग किसका? ईमेल का, यानी कि जो भी आपका कॉलम नेम हो, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एट द रेज कहाँ पर है, और 1,1 लिखना है हमें, ठीक है, फ्रॉम जो आपका टेबल नेम हो, ठीक है। तो ये रहा, इसी तरह क्वेरीज हो गई, कोडिंग लैंग्वेज हो गई, मैथ साइंस हो गया। सीखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।